नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। दिल्ली कथित शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित तमाम ऐसे नेता हैं जो आम आदमी पार्टी के जेल में बंद हैं। ईडी और सीबीआई की यहां पर गिरफ्तारी में चल रहे हैं। ऐसे में ईडी और सीबीआई का जिक्र यहां पर ज्यादा चल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जीना मुश्किल यहाँ पर ईडी और सीबीआई ने कर रखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईडी और सीबीआई का क्या काम है, ईडी और सीबीआई में क्या अंतर है और दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल होता है? दरअसल आज इसी बात पर हम जिक्र करेंगे। आखिरकार ईडी और सीबीआई का काम क्या है, दोनों में कौन कितना पावरफुल है, आखिरकार किसको यहाँ पर राज्य सरकार से अनुमति लेने की जरूरत पड़ती है और कौन किसे गिरफ्तार कर सकता है। दरअसल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सीबीआई की हम बात करेंगे। सीबीआई और ईडी जहाँ केंद्र की एजेंसियां हैं, देखिए दोनों ही, वहीं सीआईडी की बात करें तो सीआईडी एक राज्य की एजेंसी है। यहाँ पर सीआईडी का भी कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर देखा जाए सीबीआई जो है वो ऐसे मामलों पर गौर करती है, ऐसे मामलों में छानबीन करती है जिसमें हत्या, घोटाला, अपहरण, रेप जैसे अपराधों की जांच करती है। शायद यही कारण है, घोटाला, घोटाले को लेकर ही दिल्ली कथित शराब घोटाला देखिए यहाँ पर नाम आता है। इसी कारण सीबीआई ने यहाँ पर एंट्री करी है। पहले मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया सीबीआई ने और अब अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जो ईडी होती है वो यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों की जांच करती हुई नजर आती है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब जिसमें पैसों का लेन देन हो, पैसों का लुटफेर हो। शायद यही कारण है कि यहाँ पर सीबीआई भी अपना दावा ठोक रही है और ईडी भी अपना दावा ठोकती हुई नजर आ रही है। वहीं देखिए ईडी को राज्य से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, होती है। ईडी डायरेक्ट जाकर राज्य सरकार, जिस भी राज्य में जिसकी सरकार होती है, उनसे अनुमति नहीं लेती है और जांच शुरू कर देती है। हालांकि देखिए दोनों ही केंद्र की एजेंसी है लेकिन ईडी कहीं ना कहीं देखा जाए तो पावरफुल नजर आती है। वहीं बात अगर करी जाए सीबीआई की, अगर देखिए सीबीआई को जांच करनी है तो पहले सीबीआई को यहाँ पर अनुमति लेनी पड़ेगी राज्य की सरकार से। ऐसे में कहीं ना कहीं सीबीआई जो है थोड़ी सी कमजोर नजर आती है। अगर राज्य की सरकार सीबीआई को अनुमति ना दे तो सीबीआई यहां पर जांच नहीं कर सकता। ऐसे में दिल्ली सरकार ने सीबीआई को अनुमति दी, उसके बाद ही सीबीआई ने दिल्ली कथित शराब घोटाले की जांच शुरू करी। वहीं मैं आपको बता दूं सीबीआई अपना जांच और कार्रवाई भारतीय दंड संहिता सीआरपीसी के तहत करती है और जबकि ईडी, पीएमएलए, एफईओए और एफपीएमए जैसे विशेष कानूनों पर काम करती हुई नजर आती है। लेकिन देखिए यहाँ पर दोनों में फर्क है, दोनों का काम अलग है। एक मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मतलब कि पैसों के लेन देन के लिए काम कर रही है तो दूसरे हत्या, रेप, घोटाले जैसे बड़े बड़े मामलों पर यहाँ पर काम करती नजर, जिसमें कि अपराध होता है, मतलब आप समझिए अपराध से जुड़ा मामला है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर काम करती नजर आएगी सीबीआई। शायद यही कारण है कि सीबीआई की फुल फॉर्म भी यही है, क्राइम ब्रांच ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब जो क्राइम से जुड़ा मामला है उसमें सीबीआई काम करती नजर आएगी और ईडी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में काम करती नजर आएगी। पावरफुल ईडी नजर आती है क्योंकि ईडी को राज्य सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है और यहाँ पर सीबीआई को राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी तभी वो जांच शुरू कर सकती है। खैर, दिल्ली कथित शराब घोटाले में दोनों की अहम भूमिका है, ईडी और सीबीआई दोनों की, दोनों ही अपना काम करती नजर आ रही है। खैर, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आखिरकार दोनों में आपको कौन ज्यादा पावरफुल लगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।